दोस्तों यूं ही कल मैं एक कुछ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जजमेंट देख रहा था, क्योंकि मेरे दोस्त ने एक कंपनी से रिजाइन किया और रिजाइन करने के जस्ट एक दो दिन बाद उसने बोला कि अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया। बट कंपनी चाहती थी वो रिजाइन करें और उसने कंपनी एक्टेड ऑन द जो उसने फर्स्ट रेजिग्नेशन दिया था। तो अब इसको क्या, इसने मेरे से लीगल एडवाइस मांगी तो मैंने खोजा, और इसमें एक बहुत ही अच्छी बात, इनफैक्ट दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है श्रीकांत एसएम वर्सेस भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। उसमें कोर्ट ने कहा है कि अगर आपने रिजाइन किया और आपका नोटिस पीरियड चल रहा है, तो इसका मतलब जब तक नोटिस पीरियड खत्म नहीं होता है तब तक आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट अभी भी रिलेशनशिप सब्सिस्ट कर रहा है, तो इस बीच में आप अपने रेजिग्नेशन को वापस ले सकते हैं। द कंपनी कैन नॉट फोर्स यू कि भैया मैं उसी जो आपने पहले रेजिग्नेशन लेटर दिया उसी को आपको फॉलो करना होगा, और इट कैन नॉट फोर्स यू टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। और अगर वो फोर्स कर रही है तो इसका मतलब इट इज टर्मिनेशन एंड नॉट वॉलंटरी रेजिग्नेशन। तो अगर ये है तो इससे काफी, इट्स अ वेरी मतलब एम्प्लॉय या वर्कमैन फेवरिंग लेजिस्लेशन, सॉरी वर्कमैन फेवरिंग जजमेंट, इससे आपके नोटिस पीरियड या नोटिस पीरियड के एवज में जो आपको पेमेंट मिलता है ये सब चीजें मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, बाय।